एक इंच कपड़ा छोड़ने के बाद अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। यहाँ से 6 इंच नीचे की तरफ नाप कर लगाएंगे मुड्ढे का निशान कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाने के बाद गोलाई दे देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो हमने 1 इंच ऊपर छोड़ी है वो हमने कॉलर बनाने के लिए छोड़ी है, क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है। और 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच नाप कर लाइन बनाएंगे और इसे गोलाई में शेप दे देंगे। इस तरह से 3 इंच नापेंगे और गोलाई में शेप दे देंगे, और जो उसके कोने से इस मुड्ढे वाले कोने तक एक तिरछी लाइन बनाएंगे और इसे सीधा कर देंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से। दोस्तों, कॉलर वाली कुर्ती में इससे हमारे क्या होता है, शोल्डर बहुत अच्छी तरह से फिनिश होकर बैठते हैं। अब हम लगाएंगे चेस्ट की नाप। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच का, क्योंकि ये पीछे का पल्ला है, तो इसमें 8 इंच का निशान लगाने के बाद 2 इंच हम इसमें मार्जिन दे देंगे और यहाँ ऊपर से 6 इंच तक हम एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि सीने का निशान लगाने के बाद हमें 6 इंच तक सीने का ही निशान रहना चाहिए, इसलिए हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो कुछ इस तरह से हमने 6 इंच का निशान लगा दिया। इसके बाद हम अब कमर की नाप लेंगे कुछ इस तरह से। अभी हमने कमर की नाप ली है, कमर का 1/4 भाग रखेंगे और 2 इंच उसमें हम मार्जिन ऐड कर देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारी नाप और इसमें 2 इंच का हो गया मार्जिन। तो यहाँ एक निशान लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम ऊपर कंधे से अपने हिप की लंबाई 21 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हिप के लिए निशान लगा, हिप के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। हिप का 1/4 भाग लेंगे और उसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। अब इन सारे निशानों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। सो गाइस, देखिए ये दो सब निशान मिल गए हैं और ऊपर से हम इसको कर देंगे कटिंग पूरे निशान में। लेकिन जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा है कपड़ा इस तरफ, वहाँ पर हम उनका मार्जिन छोड़कर ही कटिंग करेंगे। सो गाइस, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम निकालेंगे आगे का पल्ला। आगे पल्ले को हमने डबल फोल्ड में कर लिया है, इसकी सिंपल सी कटिंग है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे और नीचे की साइड में हम फोल्ड के लिए 1 इंच का मार्जिन रख देंगे। तो 1 इंच का मार्जिन हमारे फोल्ड, जो हमारे नीचे फोल्ड होता है ऊपर से भी दबेगा, इसलिए हम 1 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ रखते हैं। कुछ इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे कुछ इस तरह से। सो गाइस, हमारी पीछे आगे का पल्ला भी बनके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और आपको एक लाइक भी करें। सो गाइस, ऊपर से इसमें भी हमने 1 इंच का जो निशान लगाया उससे हम गले की गोलाई दे देंगे इस तरह से। जैसे हमने पीछे वाले पल्ले में तिरछी लाइन ड्रॉ की थी, सेम उसी तरह इसमें भी प्रोसेस करना है। इससे क्या होता है, हमारी कॉलर वाली कुर्ती में खिंचाव नहीं आता। इस तरह से हम कटिंग करेंगे, इसमें हम गला नहीं काटेंगे, गला हम इसमें बुकरम में बनाकर चिपकाएंगे। सो दोस्तों, हमारी कटिंग दोनों पल्लों की पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी मेथड से आप भी कटिंग करेंगे तो आप भी एक बहुत ही अच्छी कुर्ती कॉलर वाली बना लेंगे। इतना कपड़ा हमारा आस्तीन के लिए बचा।